मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कोरबा जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज कोरबा के नए भवन की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज के नए भवन निर्माण हेतु कोरबा जिले के ग्राम भूसीहीडी में लगभग 124 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इसके निर्माण के लिए 325 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। स्थानीय लोगों की मांग अनुसार कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर रखा गया है। आइए माँ सर्वमंगला की जयकार से उनका हम स्वागत करें। बोलिए माता सर्वमंगला की। आवाज में थोड़ी कमी है और थोड़ा सा दम लगाएंगे, हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए माता सर्वमंगला की, माता सर्वमंगला की, माता मड़वा रानी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। लोक नृत्य दल जो है उसकी थाप पर थी रखते हुए हमारे ये लोक कलाकार साथी आदरणीय सिंहदेव साहब हमको नजर आ रहे हैं, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सीओ डहरिया साहब, आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी परिलक्षित हो रहे हैं, सभी का आदरणीय दीपक बैज साहब सांसद बस्तर लोकसभा, आदरणीय महापौर महोदय, आदरणीय सभापति श्याम सुंदर सोनी जी, आदरणीय सांसद महोदया श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी। आगे की स्टॉल की जानकारी के लिए मैं नीलम शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। और भाई सी डहरिया पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में आए हैं, ओकरो स्वागत है। और भाई दीपक बैज जी तो पहली बार आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और हमूमन अध्यक्ष रहे, चरण भी अभी इस अध्यक्ष, लेकिन जतका अध्यक्ष बने तुम सबसे कम उम्र के नौजवान हा, 42 साल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक जी, आदरणीय भाई जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय भावी सांसद ज्योत्सना महंत जी, भाई मोहित करकेट्टा जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, राजकिशोर प्रसाद जी, अमर गांधी बाबा, बोधराम कंवर जी, महंत राम सुंदर दास जी, श्री कला छत्रपाल सिंह कंवर जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, हरीश परसाई जी, प्रशांत भाई, नवीन सिंह जी, और मंच में बैठे हुए हमारे सबो जनप्रतिनिधि मन, साथ ही अंकित आनंद जी, पी दयानंद जी, भीम सिंह जी, मीना साहब, एसपी और कलेक्टर साहब, आज बड़े बड़े काम कोरबा में, कोरबा हमारे ऊर्जा के राजधानी, मध्य प्रदेश के समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में पहली थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास करे तब से लेके अब तक के लगातार यहाँ बिजली के उत्पादन होते, लेकिन सबसे बड़े यूनिट छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के आज शिलान्यास किए गए। करबर मैं पूरा प्रदेशवासी ला और कोरबा वासी मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, जिन 440 यूनिट के बहुत पुराना थर्मल पावर प्लांट इसे जिले भारत सरकार डिसमेंटल करेल की से, तो कर बाद हम सोचें कि एकर एवज में का किया जाए, तो कैसे 3 गुना बड़े पावर प्लांट यहां स्थापित किए जाते। सबसे बड़े बात यह है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस और कोयला के उपलब्धता के पर अनुमति यहां मिल चुके हैं। ये थर्मल पावर प्लांट लगभग 2029-30 में शुरू हुई, लेकिन जैन गति से एकर सारे प्रक्रिया ला अपनायन तो मैं समझता हूँ कि 2028 के पहली चेला हमला शुरू कर ले, वो ऐसे हमला विश्वास। और साथ ही आज बिजली की आवश्यकता पूरा देश में प्रदेश में बढ़त जात है,
एक समय रही से जब केवल 5 साल पहले लगभग 4,100 मेगावाट के आवश्यकता पीक अवर में छत्तीसगढ़ में रही से, आज पीक अवर में ये बढ़ के 5800 मेगावाट, मतलब 4.5 साल में ही जिन बिजली खपत है तिन 1700 मेगावाट अधिक होल धल है। पहली बिजली बिल बिजली के खपत प्रति व्यक्ति हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर में है, देश के एवरेज जहां 1255 यूनिट है, आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जिन खपत है तिन 2211 यूनिट है और ये देश में सर्वाधिक है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग 42 लाख परिवार हमन बिजली बिल आधा रेट में दे 400 यूनिट तक के आधा में, और ओकर से आज छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा लगभग 4,105 करोड़ रुपए की छूट दिए जा चुके हैं। ये राशि छोटे मोटे राशि नहीं, 4105 करोड़। और उसी प्रकार से किसान मल्ल हमने जिन छूट दे हैं जिन 12,397 करोड़ के सब्सिडी ये 4.5 साल में उपलब्ध कराए हैं, तो ये बहुत बड़े राशि जहां किसान मल्ल घरेलू उपभोक्ता मल्ल सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आज एकर भर विद्युत विभाग लगातार ये मामला में संकल्पित है। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 2928 मेगावाट बिजली का उत्पादन होते छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, अब यह बढ़ के 4300 मेगावाट हो जाएगी। और जैसे कि अभी महाराज साहब अपन बात कहा से, अब जिन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना है, सोलर तो करबे करते सोलर एनर्जी से, लेकिन वोकर से रात में बिजली नहीं मिला है, जब तक के सूर्यदेव है तब तक के बिजली मिली, लेकिन जहां अंधियार हुई तो फिर वोकर से बिजली उत्पादन बंद हो जाए। तो वो हिसाब से जतका हमार बांध मन है ऊपर में एक टकाऊ छोटे से रिजर्व वायर बना दिया, रिजर्व वायर है वहीं पानी लिफ्ट कर दे, वो पानी ले नीचे ले आ ओकर से बिजली उत्पादन हुई। तो अभी 5 साइट हम तय करे हैं और में एक राज्य सरकार करी बजट ला प्राइवेट सेक्टर में दे के हम फैसला करें। तो ये प्रकार से हम लगभग 7,000 से अधिक बिजली हमारे उत्पादन होकर से हुई। तो आने वाला समय में जैसे अभी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ा थे, किसान मन के बिजली की खपत बढ़ा थे, औद्योगिकरण हो थे, घर मन में बिजली की खपत बढ़ा थे, वो वाला देखते हुए भविष्य में ये बिजली के उपलब्धता सुनिश्चित हो, बिजली कट नहीं हो, ये बार हमला लगातार प्रयास करना है। अभी मोर बिजली ऐप के लॉन्च हमन करें ओकर बारे में आप लोग जानकारी देगी, एकर से आप बिजली बिल पटा सकते हो, एकर से बिजली पावर कट हो गए ओकर जानकारी दे सकते हो। साथ ही यदि कहूँ रास्ता में जात हो और रास्ता में जात हो कहूँ तार टूटे है ओकर फोटो करके भी ये ऐप में कहूँ भेज दे हूँ तो निश्चित रूप से काबर ओकर से GPS से पता चल ही कते करके फोटो है और ओकर माध्यम से सुधार भी किए जा सकते। तो अतिक सुविधा ये मोर बिजली ऐप के माध्यम से मिली। तो आप सब लेकर भर बधाई या शुभकामना। पहली तो बिजली पावर कट हो जाए तो ऑफिस में फोन लगा लगा परेशान रहें, लेकिन अब मोर बिजली ऐप के माध्यम से शिकायत करबे तो केवल वो सब इंजीनियर ला या लाइन मैन ला पता नहीं चले, बल्कि वो चेयरमैन ला और बिजली के मंत्री ला वो एकर से पता चल सकते कि कहाँ ये शिकायत आ थे। तो आज 50% वो में कमी आए जिन शिकायत में और अधिकारी मन से क्यों कि ये तो ऊर्जा की राजधानी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बराबर बिजली पहुंचत रहा है, कोई प्रकार की शिकायत मत हो। हालांकि हमने देखा था कि बस्तर में खूब बारिश हो है, रायपुर दुर्ग में खूब बारिश हो है, बिलासपुर से जैसे ऊपर आ थन तैसे थोड़ी पानी की कमी है, और सरगुजा में तभी सूखा की स्थिति है, पानी बहुत कमी है। ऐसा समय में अभी किसान मन ने जन बोर करा है या सोलर पंप लगाया है तो सोलर पंप ले भी बराबर ओकर शिकायत वगैरह हो तो संधारण बराबर करे ताकि किसान अपन फसल ला बचा सके। बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की कोनो कर शिकायत आते तत्काल ट्रांसफार्मर वहां लगना चाहिए और बिजली अबाध रूप से संचालित हो। पहले तो बिजली विभाग मोर कर रही से, अब महाराज साहब करे तो बिजली विभाग सरगुजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ऐसे में आग्रह महाराज साहब से करा था
ताकि किसान मन ला कोनो प्रकार के परेशानी मत हो। तो आज यह छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विभिन्न कार्य के माध्यम से आम जनता की सुविधा ला बढ़ाए के काम, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से हो, राशन उपलब्ध कराए के माध्यम से हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, भूमि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे अभी बेरोजगार साथी मल्ल अभी तीनों महीना में 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अभी कल जाके फिर से वितरण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपये बांटे इस बेरोजगार मल्ल, हमें 4 महीना में 98 करोड़ लोग वो पार नहा जब। तो ये बेरोजगार साथी मन के साथ हमर वनांचल में तेंदू पत्ता संग्रहण कर रहे थे और साथ ही लघु उपज के संग्रहण कर रहे थे, सबके समर्थन मूल्य घोषित करना, और खरीदी की व्यवस्था करना, और वैल्यू एडिशन करना, वन औषधि के खरीदी की व्यवस्था, और बिक्री के व्यवस्था लगातार हमारे मन के काम चला थे। गौठान मन में बहुत अकन काम चला थे, वो इसने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रोजगार ला बढ़ाए के काम लगातार हमार सरकार करा थे, ताकि सब ला आय ओकर आय में वृद्धि हो। वही प्रकार से शासकीय कर्मचारी मन के बहुत अकन के डीए है, एचआरए है, ओकर मन के वृद्धि, मितानीन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एकरो मन के वृद्धि लगातार जैसे जैसे राशि उपलब्ध हो जाते थे, शासकीय कर्मचारी मन के भी सुख सुविधा के ध्यान हम रखा था। ये अपेक्षा के साथ कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटा मन के खूब सेवा करी, हमारे पुलिस वाला मन के पहली किट बनाए, और किट में उमर असुविधा बहुत अकन हो, लेकिन अब वो एकमुश्त 8,000 रुपया हम दे दें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दें, तो सबों के कर लाभ लगातार मिला थे। तो बहुत ज्यादा वो वक्त न लेते हुए जय सिंह भाई केरी से वो जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाऊं तो कोरबा कब आवे, जब मिले तब कहे कोरबा कब आवे, मैं कह आहू कोरबा आओ पहले ले। अब सबो विधानसभा हम घूम रहे हैं, 2-4 ठक विधानसभा बांच गए, महाराज के विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष के है क्षेत्र, मोर क्षेत्र है, ये मन में हमन नहीं गए, लेकिन जब आए हम तो फिर 100 सोनार के 1 लोहार के सीधा 13,000 करोड़ के फिर राशि। चरण भैया कोनो विधानसभा अध्यक्ष लतका नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए, एकल ले ज्यादा औका हुई। अब वो तहसील और एसडीएम कार्यालय की ना हो तो और बहुत हो जाए, हाँ सांसद जी 3-3 मेडिकल कॉलेज 3-3 जिला, कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद ला या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई ऐसा संभव नहीं है, लेकिन लगातार आप सब के आशीर्वाद मिला थे, और छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब मिलके सेवा कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। कुछ मांग हमार क्षेत्रीय विधायक और राजस्व मंत्री जी के द्वारा किए गए, निश्चित रूप से कर परीक्षण करके जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा के काम करबो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, और बहुत अकन मांग है वो लोग अंडरग्राउंड के अब तो प्रक्रिया शुरू हो ही गए, शहर में शहरी क्षेत्र में शुरुआत करें हैं, तो निश्चित रूप से यू दिशा में मन काम करबो। और आखिरी बात, जैन आदरणीय चरण भैया जैन बात के आज तक कोनो बात ला टाले नहीं है, भले विधानसभा में हमल 5 साल अब बीत गए, अब आखिरी सत्र सिरा गए, हमन 71 जन हन, वो मन 13 जन है, हमारे ज्यादा समय विपक्ष दे थे ये शिकायत हमेशा रहे, लेकिन बड़े भैया के कभू कोई आदेश के अवहेलना नहीं, लगातार बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम, जिन युगो युगो तक याद रखे जाए ऐसा काम स्वीकृत हो है। आखिरी बात जिन चनन भैया के ये जिन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, एकर नाम ल स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन हमार प्रधानमंत्री री से, जिन संचार क्रांति के प्रणेता री से, पंचायती राज के सपना देखैया री से, जिन्हें किसी सदी में ले जाए के सपना देखा री से, ऐसा महान विभूति के नाम से एल करे मांग करे, मैं आज ओकर नाम से
घोषणा करत हूं और आप सबसे अपील करत हूं, एक बार जोरदार राजीव जी के जयकारा लगाओ, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।